गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि आज होने वाला है गाइस 4v4। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे, जिसमें सारे लेजेंडरी प्लेयर एक साथ होने वाले। वैसे बताओ आप लोग किस किस प्लेयर को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार एक 4v4 गेम हो तो उसमें ये 8 के 8 प्लेयर देखने के लिए, कमेंट में बताओ जरूर। ओके। और गाइस तो कौन कौन से प्लेयर, तो एक काम कर पहले तू कर ले। बार बार चूक लग रहा है भाई। अबे वही तो सोचना है। हेलो कैसी है? हेलो भाई क्या कर रहे हो? भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक लेजेंडरी गेम की तरफ मैं बढ़ने वाला था। समझ गया भाई। वो सब छोड़ो, मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है भाई, बहुत कांड हो गया मेरे साथ। क्या हो गया भाई? भाई मैं बता नहीं सकता ऐसा बुरा हुआ मेरे साथ, और अपना लोगों ने ही किया। अरे लड़की ने धोखा दे दिया क्या भाई? ये तो लड़की से भी बड़ा है, मतलब भाई। No, God, ऐसा मत बोलो भाई, लड़की धोखा देगी भाई। लड़की होता तो एक बात होता कि लड़की लोग धोखा दे सकते, बट जो दिया है भाई वो सोच नहीं सकता कैसे भाई। भाई मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा क्लियर बताओ भाई क्या हुआ है क्या नहीं, थोड़ा मेरे को समझ भाई में वो सब आ रहा है। कुछ वो सब मैं बाद में समझा दूंगा, मेरा गिल्ट टेस्ट ले लो भाई। गिल्ट टेस्ट? आप तो ऑलरेडी यार आप तो अच्छी गिल्ड में हो यार। यार देखो भाई तुम ना प्रैंक बहुत करते हो यार, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा। थोड़ा अच्छे से बताओ, समझाओ हुआ क्या है भाई। भाई देखो भाई, भाई बहुत बहुत सीन हो गया, और ये कोई प्रैंक नहीं है भाई, मतलब ये सच है, जो भी है सच बोल रहा हूँ भाई। आज मेरा मूड बहुत, मतलब बहुत ही खराब है, मैं बता नहीं सकता। मेरा इस हालत पे तुम देखोगे ना बोलोगे भाई तुम, मतलब भाई बट वैसे कब पता चलेगा यार हमें कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि भाई मेरे को जानना है। देखो कब बताओ? देखो मैं वीडियो डाल दूंगा इसके लिए, मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ उसका मैं एक वीडियो कर दूंगा, अभी नहीं बता नहीं सकता ना, मतलब समझ सकते हो मेरा हालत बहुत ही खराब है अभी, मतलब। यार मैं आपकी आवाज में वो दर्द समझ सकता हूँ और फील कर सकता हूँ वो चीजें। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। गिल्ट टेस्ट यार रेक्स भाई, गिल्ट टेस्ट तो मैं ले लूंगा, बट दिक्कत ये है कि यार देखो तुम्हें पता है गिल्ड में जो भी आता है तो गिल्ड एक टेस्ट हमारा रहता है, उसको पास करके ही आता है, बिना उसके नहीं आता। वो तो मैं दे दूंगा ना, क्या 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 करना होगा मेरे को यार? देखो नो डाउट, बुरा मत मानना क्योंकि मेरे को पता है कि नो डाउट आप अच्छे प्लेयर हो, बट गिल्ट टेस्ट एक तरह से होता है कि कोई बंदा पूछे भाई ये गिल्ड में क्या कर रहा है ये, तो मैं कहा भाई अच्छा खेलता है खतरनाक खेलता है, तो हम लोग कराते हैं 1v5 यहाँ पे या 1v6, और आप हो तो भाई देखो 1v4 नहीं 1v5 यहाँ पे गिल्ट टेस्ट। ठीक है मैं कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी कर दूंगा भाई, तुम प्लीज ले लो भाई अभी भाई 1v5। हाँ भाई भाई 1v5 गाइस आप लोग पता है बहुत खतरनाक जबरदस्त होता है यहाँ पे। चलो रेक्स भाई तो 1v5 आपका टेस्ट, और आपको एक एक वो चीज है जीतना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको 4 राउंड निकालने पड़ेंगे 1v5 के। वो तो मैं जीत लूंगा ना, मतलब मैं जीतूंगा तो ही लेंगे ना आप, तो ऐसे ना मैं जीत। हाँ। यार नो डाउट भाई मजा आ जाएगा, एक और खतरनाक प्लेयर यहाँ पे गिल्ड में आ जाएगा, बट देखते हैं रेक्स भाई यहाँ पे गिल्ड टेस्ट पास करते हैं या फिर नहीं, क्या होता है। उम्मीद तो मेरे को है, तो कस्टम रूम बना दे, मिले कस्टम रूम में सीधा। हाँ तो भाई कोई प्रैंक तो नहीं है ना? नहीं भाई कोई प्रैंक नहीं है, मैं मतलब दिल से बता रहा हूँ, और ये कोई प्रैंक नहीं है भाई, ये सच है भाई। गाइस सीरियस है ये, कोई भी प्रैंक यहाँ पे नहीं है, और चलो तो यार मिलते हैं सीधा, तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। तो जो भी बंदे अभी तक भी सोच रहे कि भाई ये प्रैंक होगा, तो भाई लिटरली वो प्रैंक नहीं है, बिल्कुल सीरियस है। और आप लोग भी NCERB के पार्ट हो, फैमिली हो, तो मेरे को अभी कमेंट में बताओ क्या ये प्लेयर पास हो जाता है तो क्या हम लोग गिल्ड में लेना चाहिए कि नहीं, अभी बताओ। वैसे तो नो डाउट भाई इस बंदे को गिल्ड प्ले के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ओके सारा हेडशॉट, क्योंकि आपको पता है एंटरटेनमेंट प्लस यहाँ पे खतरनाक प्ले बंदे का है यहाँ पे, और आई होप सो कि रैंक मेरे साथ में प्रैंक ना कर रहा हूं। लेट्स सी गाइस, देखिए इसको यहां पे नॉक किया है, एडवांस कन्वर्स में मेरे को रहा है यहां पे, और बात क्या है भाई, डबल किल और ड्रैगन वेव है यहां पे, वन टैप वाली गन। पर आप लोग पता है क्या रैक्स का मेरा ऐसा भी कोई पहला फ्रेंड है या फिर मेरी बात की भाई dominating.
भाई मतलब एडवांस सेटिंग इसीलिए क्या मतलब यार शुरुआत ही कुछ अलग यहाँ पे की है जिस तरीके से यहाँ पे रैक्स ने की है अलग ही लेवल यहाँ पे देखने के लिए तीन प्लेयर यहाँ पे बचे हैं भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इस प्लेयर में फैब्रिक क्या लगता है। के लिए 1v3 यहाँ पे दूसरा राउंड और रे भाई यार बट लिटरली इसके लिए भी बट कैसे हेडशॉट लगा बट देखा जाए इसके लिए भी गट चाहिए कि यार तुम 1v5 में सिर्फ यहाँ पे डबल वनडे वाली रूट लेकर लोकेज वाली गन से खेल रहे शॉर्ट रेंज में और प्लेयर यहाँ पे नौ चाहिए के दोनों राउंड ही निकाल लिए। तो रेक्स को ज्यादा राउंड ही चाहिए भाई यहाँ पे रेक्स को जीतने के लिए ये गेम यहाँ पे जीतना है। 7 राउंड यहाँ पे निकालने हैं भाई ये कौन सा है भाई ये यार कुछ शॉट ना एक वो वाला शॉट और एक ये वाला शॉट मतलब अलग ही लेवल बंदा यहाँ पे मार रहा है। ओके बंदे थोड़े से क्लोज यहाँ पे हैं। ओके भाई बंदे क्लोज आती रैक्स की रफ्तार भी यहाँ पे तेज हो गई है अभी भाई कैसे भाई ऐसे शॉट किस तरीके से बंदा लगा रहे हैं भाई मेरे को लग रहा है कि भाई नंतवाई आ गया है रेक्स की आईडी से भाई लिटरली जंप हेडशॉट मार है ना बंदा सब लोगों ने यहाँ पे नंतवाई को देखा और उसके बाद में एलिवेटर भी काफी बंदे ये शॉट ट्राई कर रहे हैं लगा रहे हैं बट भाई ये बंदा भी यहाँ पे जंप हेडशॉट होंगे लॉन्ग रेंज गन और तीनों ही राउंड का मुकाबला अरे भाई अब मुझे यार देखो जब भी एक राउंड अपोनेंट पे जाते हैं ना तो थोड़े एग्रेसिव भी आप जरूर हो जाते हैं भाई ने हम 1v5 में कैसे मार दिया वाले मुझे बहुत ज्यादा मिस हो रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा शॉट यहाँ पे मिस हो रहे हैं भाई के लिए तो चाहिए बट एक और राउंड यहाँ पे जाता हुआ अपोनेंट के पास में कमबैक करते हुए मेरा फिनिश यहाँ पे रेक्स ने भी निकाले जरूर है काफी राउंड अभी यहाँ पे चाहिए क्योंकि आप लोग बताए भाई बंदी भाई बंदी से मारना काफी ज्यादा करके साथ है यहाँ पे कहीं ना कहीं डेजर्ट हम लोग मिस कर रहे हैं भाई बट देखा जाए तो यार वंटे वाले ना शॉटगन हो चाहे डेजर्ट ईगल हो या वुड पी करो भाई उनके शॉट ना पे एक और हेडशॉट भाई लिटरली यार सर्दी हो रही है इधर वरना मैं तो चेक नहीं हुई करने के वाला था जिस तरीके से बंदे ने यहाँ पे लगातार टू वन टैप यहाँ पे कनेक्ट किए हैं ओके बॉडी से यहाँ पे शॉट व्हाट अ किल ये वाला राउंड रेक्स को मिल गया भाई मेरे को लास्ट में ऐसे लगा था कि रेक्स एलिमिनेट हो गया क्योंकि अपोनेंट तो मैं देख ही नहीं पा रहा था यहाँ पे स्कोर 2-4 काफी ज्यादा क्लोज ये गेम चलता हुआ और देखते हैं क्या गन वगैरह चेंज करते हैं या फिर नहीं करते हैं रैंक करते हैं यहाँ पे भाई अरे भाई ये
यार चार पांच अलग ही हेडशॉट मार दिए बंदे ने, खतरनाक। नो डाउट भाई गेम तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बट अब जो चीज बोली हम लोगों ने वो तो भाई जीतेंगे यहाँ पे, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस मिलने वाले हैं एंट्री में। क्या बोलिए, ऑलरेडी आपको पता है इतने खतरनाक खतरनाक प्लेयर स्पॉट लेके बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा रहा यार, बंटे मतलब मजा आ गया यार गेम से देखने के लिए। अरे भाई आवाज ही नहीं आया भाई, भाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब दूर से ही यहाँ पे पेल दे रहे हैं, जहां पे देखे वन टैप। भाई यहाँ पे फिर से यार आप लोग बता रहे हैं जब एक्चुअल में मजा आता है कि नहीं आता है। ये क्या भाई, एक तरफा गेम कर दिया यहाँ पे बंदे ने, 2-6 यहाँ पे। बाकी जीतते यहाँ पे टॉप पे है, बट क्लोज वाले प्लेयर को नॉक किया, स्पेयर प्लेयर साइड में देखने से फिर भी हेड मारना मुश्किल रहता है, ऐसे शॉट्स ऐसे हेड शॉट यहाँ पे काफी ज्यादा। फर्स्ट ट्राई गाइस, तीन प्लेयर बचे, ऊपर जाना पड़ेगा जोन, और नहीं बात बन पाई और यहाँ पे हो गया एलिमिनेट। 3-6 कमबैक यहाँ पे आता हुआ, चलिए अभी भी गेम यहाँ पे बचा। और गाइस यहाँ पे मतलब आप लोग बताना चैट में भाई क्या गेम प्ले में आपको अच्छा लगा है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते तो अभी आप लोगों ने गेम प्ले देख लिया भाई, क्या ही खेल रहा है 28 मिनट का मैच निकाल लिया, बट भाई इसको भी आप हेडशॉट मेरा तो भाई फुल मन है, हर सात राउंड यहाँ पे निकाल के दिए भाई। अरे भाई फिनिश, और बता दूं गाइस ये मैंने ना यहाँ पे मैच रिकॉर्ड पे ही रिएक्शन यहाँ पे दिया है, देखा जाए तो भाई गेम यहाँ पे निकाली है। बाकी क्या लगता है आप लोगों, एक बार रेक से जाके बात करते हैं और बाकी लाइव स्ट्रीम पे भी टेस्ट करते हैं, एक बार देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। तो गाइस गेम प्ले तो बहुत खतरनाक था, बट एक बार रेक्स भाई से यहाँ पे मिल लेते हैं। रेक्स भाई यार भाई कसम से क्या मारा है भाई, भाई और भाई अच्छा लगा ना भाई, अच्छा तो लगा, बट मैं तो भाई बीसीबीसी चेक करने वाला हूँ भाई, मतलब भाई क्या जब हेडशॉट हेडशॉट भाई हर टाइम भाई, तुम कभी भी चेक कर सकते हो। चलो तो भाई एक नई फैमिली में एंट्री करने का टाइम आ चुका है, नई गिल्ड ज्वाइन करने का, क्योंकि भाई गेम प्ले तो पहले से ही पता था, बट देख भी लिया आज क्या खतरनाक खेलते हो, जबरदस्त खेलते हो। गिल्ड इनविटेशन भेज देता हूं। बाकी यार पहले वो बताओ यार क्या हुआ है भाई तुम्हारे साथ, वो मेरे को जानना बहुत ही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि अभी बस मेरे को बता दो कि क्या हुआ है भाई, ऐसे इतना गलत क्या हो गया तुम्हारे। देखो एक बंदे के साथ मतलब सोचो कि बहुत गंदा मतलब बहुत बुरा, जब तक नहीं होता ना तब तक वो बंदा छोड़ता नहीं, और मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ मतलब मैं चाहता हूँ ना ये मैं मतलब सह लूंगा, बट किसी और के साथ ना हो, बट इसके लिए बताना पड़ेगा ना भाई, किसी और के साथ ना हो तो ये चीजें बतानी तो पड़ेगी ना कि क्या हुआ क्या चीज थी। हाँ वो तो मैं मतलब मेरा वीडियो में बता दूंगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो और मैं मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा है इतना, अब आज में दर्द, बट कोई नहीं भाई, अब तो एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम एंट्री कर चुके हो यहाँ पे एक नई एनजी फैमिली में यहाँ पे।
भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा फैमिली की तरह मतलब रहना चाहता हूँ, पूरा फैमिली मेरे को फैमिली जैसा रखो, मतलब गुलाम बन के मत रखना। ओके भाई, भाई क्या बात कर रहे हो यार भाई, मैं इधर यार देखो बंदे इधर पहले से रहे हैं तो आपको पता ही है कितने लंबे टाइम से कैसे कैसे प्लेयर्स रहे हैं और अभी तक साथ। हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है ना, इसीलिए भाई इसीलिए मैं तुमसे बोला और किसी से मैंने बोला नहीं ये चीज, और कि कोई जानता नहीं भी नहीं है, और मेरा ऑडियंस को मैं बोलूंगा तो उसके लिए वीडियो भी डाल दूंगा, और ये चीज किसी के साथ ना हो भाई, ये मैं चाहता हूँ, होना तो नहीं चाहिए। देखो चलो तो गाइस T-Rex यहाँ पे हो चुके हैं, G-Rex यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं जी, और बाकी क्या होगा वो आपको Rex भाई के चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि भाई उनको ये सब यहाँ पे करना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में या फिर आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी Rex के चैनल पे।